करंट वरेंट तो नहीं है मेरे भाई। नहीं 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 करंट नहीं है भाई, से मैंने नहीं पकड़ा, मुझे नहीं लगता ये माइक है, ये माइक है। अच्छा माइक है, देखना भाई करंट नहीं लगेगा। नाम पूछ लो पहले भाई जी, आपका नाम क्या है? राज जोशी। आप तो यहाँ दिल्ली आते होंगे? हाँ जी हाँ जी। तो हाँ जी हाँ जी, नहीं मतलब कभी कभी रहता है, कभी कभी नहीं रहता है। तो कभी कभी सिर्फ कुत्ता ही प्रोटेक्ट करता है? हाँ जी, अभी तो इस समय में तो कुत्ता ही कर रहा है, जैसे अपन देख रहे हैं सारे के सारे, इस समय तो कुत्ता ही कर रहा है। बाकी जो आते हैं उनके जो उनके खुद के ये है ना पर्सनल है उनके, थोड़ा इसलिए। दोस्तों अभी हम भागसुनाग वाटरफॉल से वापस आ रहे थे, यहाँ पे आप देख रहे हो भागसुनाग वाटरफॉल है, वहाँ पे 100 मीटर दूर होगा। तो हमने देखा अभी नीचे, मैं काफ़ी देर से नोटिस कर रहा था कि नीचे भेड़ बकरियाँ चर रही हैं, तो कोई भी इंसान साथ में नहीं है, सिर्फ एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता है। कुछ इधर हैं, कुछ उस साइड हैं, कुछ नीचे हैं, कुत्ता भी नीचे खड़ा हुआ है, तो चारों तरफ उसका ध्यान है। दोस्तों अभी जर्मन शेफर्ड के लिए थोड़े बिस्किट ले लेते हैं। ये जो पानी आ रहा है ये पहाड़ों से आ रहा है ऊपर से, और यहाँ पर ये जो कोल्ड ड्रिंक्स रखी हुई है ये एक नेचुरल फ्रिज है इनके लिए, नेचुरल तरीके से ये ठंडी ठंडी होती रहती हैं। यहाँ से भी एक पानी की पाइप इसमें है, थोड़ा थोड़ा करके पानी आ रहा है और इस तरीके से ठंडी रहती हैं। आप कब से यहीं बैठे थे, कितना टाइम हो गया आपको? 15-20 मिनट। 15-20 मिनट। तो ये जो भेड़ बकरियां हैं ये साथ में सिर्फ कुत्ता है, कोई आदमी भी आया साथ में? नहीं। अच्छा अच्छा, हेलो हेलो। दोस्तों बिस्किट भी मैंने इसको दिए लेकिन खा नहीं रहा है, लॉन्ग कोट में है। और आपको दोस्तों पता है कि जितने भी डबल कोट ब्रीड्स होती हैं या लॉन्ग कोट ब्रीड्स होती हैं वो पहाड़ों में ही बहुत अच्छे तरीके से रह सकती है, क्योंकि इनको बहुत ही ठंडा एनवायरनमेंट चाहिए होता है। और अभी तो अप्रैल चल पड़ा है, यहाँ पर तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा बर्फ़ भी पड़ती है, तो इस हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि जर्मन शेफर्ड के लिए इस जर्मन शेफर्ड के तो मज़े लगे हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि पहाड़ों में खुले खुले में इसको घूमने के लिए मिल रहा है और अपनी ये वर्किंग भी यहाँ पे दिखा रहा है। और आप देख सकते हैं दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि लोग खाने में मिला के कुछ डॉग्स को खिला देते हैं, लेकिन इसने नहीं खाया, मैंने आपके सामने इसको दिखाया बिस्किट फेंक के। बकरी बिस्किट खा रही है लेकिन कुत्ता नहीं खा रहा है। आगे आगे कुत्ता देख रहा है, बिस्किट खिला रहा है। जो भी बकरी थोड़े दूर जाने की कोशिश करती है उसके पास ये जाके उसको भगा देता है और यहीं पे आसपास ले आता है। वहाँ से ये जितने भी भेड़ बकरियाँ फैली हुई हैं सब पे फोकस कर रहा है, कौन कहाँ है ये देखिए। जब से मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ दोस्तों, जब मैं ऊपर था तो तब से ये कभी ऊपर भाग रहा है, कभी नीचे आ रहा है। अब दोस्तों कुत्ते ने तो खाया नहीं, तो हम बकरियों को ही दे रहे हैं खाने के लिए। बकरियां चाव से बिस्किट खा रही है। कुत्ते ने नहीं खाया। और वहाँ ऊपर करीब 250-300 मीटर दूर भागसुनाग वाटरफॉल है, धर्मशाला में आए हुए हैं हम अभी, और अभी यहाँ से जाने का समय हो गया है हमारे। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ी एक बात बता देता हूँ, ये है गद्दी नस्ल की बकरी, लंबे बाल होते हैं और एक दिन में करीब 1 लीटर तक ये दूध दे सकती है, और इसके जो कान होते हैं ऐसे लटके हुए होते हैं और सींग ऐसे पीछे को ऊपर को मुड़े हुए होते हैं, देख लीजिए ध्यान से। और इसका यूज़ मीट पर्पज़ के लिए भी किया जाता है और बोझट होने के लिए भी किया जाता है। और ये कुत्ता यहाँ पे आ गया। जैसे मैं बिस्किट खिला रहा था बकरियों को तो एकदम से ऊपर से आ गया, और कि कहीं मैं इनके लिए ख़तरा तो नहीं हूँ। और अभी
ध्यान रख रहा है ये कि कोई बकरी पीछे ना छूट जाए, क्योंकि अभी ये बकरियां थोड़ी ऊपर जाने का समय हो गया है इनका। दोस्तों डबल कोट ब्रीड को हमेशा पहाड़ों में ही रखना चाहिए। और यहाँ पे देख लीजिए बहुत ही ठंडा एनवायरनमेंट है, सर्दियों में बर्फ़ पड़ती है, और ये तो फिर लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड है। अभी देख लीजिए इसका ध्यान सिर्फ बकरियों पे ही है। पता नहीं दोस्तों मेरे पास आके बैठ गया है, अभी मन कर रहा है इसको छूने का, लेकिन आपको पता है अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए। हो सकता है मुझे काटे, हो सकता है ना काटे, लेकिन दोस्तों अभी देखिए बकरियां ऊपरली तरफ जा रही हैं, तो अभी ये उनको गाइड करने के लिए ऊपर जा रहा है, अभी उनको डायरेक्ट करने के लिए ऊपर जा रहा है, क्योंकि मैक्सिमम बकरियाँ उधर साइड आ रही हैं चरते चरते। दोस्तों ऊपर से ये खड़े होके मुझे भी देख रहा है, और उस साइड की जो बकरियाँ उनको भी देख रहा है कि कहीं मैं किसी बकरी को चोरी करके ना ले जाऊं या नुकसान ना पहुंचा दूं। मेरे GoPro में जूम नहीं होता, नहीं तो मैं आपको दिखा देता अच्छे से। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि अपने देसी ब्रीड्स जो हैं, 20 से ज़्यादा इंडिया में ब्रीड्स पाई जाती है इंडियन डॉग्स की, हिमालयन बाण है, गद्दी है जिसे हम हिमालयन मैस्टिफ, तिब्बतन मैस्टिफ भी बोल सकते हैं, कोम्बाई है, राजापल्यम है, और बुली कुत्ता है, और भी बहुत सारी है। इनको ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं। और दूसरी बात यह है कि जितनी भी डबल कोट ब्रीड्स हैं उनको ठंडा एनवायरनमेंट में रखें। कोई डॉग दिखने में बहुत अच्छा होता है, जैसे सेंट बर्नार्ड है, हस्की है डबल कोट ब्रीड्स में, और लेकिन हम उसको एसी नहीं प्रोवाइड करवा सकते, और हम उसको अपने शौक के लिए ले लेते हैं। हमारा शौक तो पूरा हो जाता है, लेकिन अगर हमारे घर में एसी नहीं है तो उन डॉग्स को कितनी दिक्कत आएगी, आप सोच सकते हैं क्या? वो तो बोलेंगे नहीं बेचारे, वो तो ज़िंदा भी रह लेंगे बिना एसी से, लेकिन उनको जो दिक्कत होगी डॉग लवर ही समझ सकता है। ऐसे डॉग्स लॉन्ग कोट या डबल कोट पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत आसानी से रहते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं आती। यहाँ पे तो बर्फ़ भी पड़ती है, तो और ये तो अभी पूरी अपनी वर्किंग भी दिखा रहा है। आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि जितने भी फेमस ब्रीड्स हैं, जैसे रॉटवीलर हो गया, मुझे इनसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ट्रेंड सा चल पड़ा है कि लोग इन्हीं ब्रीड्स को ले रहे हैं, रॉटवीलर हो गया, जर्मन शेफर्ड हो गया, सेंट बर्नार्ड हो गया, हस्की हो गया, जितने भी डबल कोट ब्रीड्स के डॉग्स हैं उनको हमेशा जितना हो सकता है ठंडा इन्वायरमेंट में ही रखें। और अगर आप सुबह शाम उसको घुमा सकते हो, उसको एक फैमिली मेम्बर की तरह रख सकते हो, तभी कोई डॉग लीजिए।